हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग गाइड पर। मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। आज मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा और पांच स्टॉक्स बताऊंगा जो 7 दिसंबर यानी कि कल वेडनेसडे मार्केट को अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे बाइंग पोजीशन में चाहे सेलिंग पोजीशन में। तो ये है मेरे पाँच स्टॉक्स जिसमें मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताऊंगा। पहला है HDFC बैंक, यूनियन बैंक, एयरटेल, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन और बॉश लिमिटेड। पहले बढ़ते हैं HDFC बैंक की तरफ। आपने आज देखा होगा कि HDFC बैंक टॉप लूजर्स था बैंक निफ्टी में, तो इसलिए इसको सेल करके चलना। और जो इसमें कैंडल्स बनी है वो भी सेलिंग पोजीशन के लिए ही बनी हुई है और अभी भी दो रेड कैंडल्स दिखा रहा है इसमें नीचे। तो आपको जो टारगेट दिया जा रहा है वो 1639 का और 1631 का है। इसका जो स्टॉप लॉस है 1659.30 का आपको दिया जा रहा है। जो नेक्स्ट है यूनियन बैंक, ये भी टॉप लूजर्स में ही शामिल था आज के सेशन में। इसको भी आपको सेल करके चलना है। इसका टारगेट है 152.75 का। जो स्टॉप लॉस है 158.15 का आपको दिया जा रहा है। भारतीय एयरटेल को आपको बाय करके चलना है। इसका जो टारगेट आपको बता रहा हूँ मैं वो 488.495 और स्टॉप लॉस है 474 का। भारतीय एयरटेल को आपको बाय करके इसलिए चलना है क्योंकि भारतीय एयरटेल और इंटेक्स पार्टनर बन गए हैं जो 4G फोन्स बनाएंगे और जिसका टोटल प्राइस है 1649 करोड़ का। और ये इफेक्टिव प्राइस है, ना कि डिस्काउंट में मिल रहा है ना प्रीमियम मिल रहा है। तो इससे भारतीय एयरटेल को फ़ायदा होगा, इसको इसलिए आपको बाय करके चलना है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, इसको भी आपको सेल करके चलना है। 3 दिन से ही लगातार गिर रहा है और अभी भी इसकी गिरावट बनी हुई है, तो इसलिए इसको सेल करके चलना है। जिसका टारगेट है 621 और 613 का। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 632 का करना है। बॉश लिमिटेड, बॉश लिमिटेड को आपको सेल करके चलना है। बॉश लिमिटेड ने अपने 52 वीक्स लो को टच करा है 16,602 का BSE में। इसका जो टारगेट है वो 19,000 का है और जो आपको प्रॉफिट, जो आपको दूसरा टारगेट मिल रहा है 18,720 का, जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है वो 19,675 का। अब बढ़ते हैं निफ्टी की एनालिस्ट में। निफ्टी को आपने देखा होगा कि आज क्रेडिट पॉलिसी में भी कोई बदलाव नहीं आया। CRR भी स्टेबल रहा, रेपो रेट भी और रिजर्व रेट भी स्टेबल रहा। इसको मार्केट ने बहुत गंदी तरह लिया है। अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है जिसमें आपको टारगेट मिल सकते हैं 10,007 के और 9,975 का। आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है वो 10,120 का करके चलना है। और बैंक निफ्टी को भी आपको सेल करके चलना है। आपने आज देखा होगा कि इसमें ये 300 पॉइंट गिरा और अभी भी इसमें गिरावट बनी हुई है और कैंडल स्टिक्स में भी पता चल रहा है ये कि 24,600 और 24,500 तक के लेवल्स को टच कर सकता है। पर कल के सेशन के लिए आपको जो टारगेट बता रहा हूँ 24,800 का होगा और 24,720 का होगा। इसका स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है 25,075 का, 25,075 का मेंटेन करके चलना है। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई और आपको प्रॉफिट होता है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने कमेंट में बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ है और सब्सक्राइब करिए। शेयर करना ना भूलिए उन लोगों को जिसको इसकी नीड हो और जिसको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने में प्रॉब्लम होती है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए अगर आपको मेरी ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो। थैंक यू।